दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन पेन के बारे में, दैट इज पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। हर एक इंसान के अंदर ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है बार बार चलता रहता है कि मैं पेन ऑफ डिसिप्लिन को लूं या मैं पेन ऑफ रिग्रेट को लूं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो लाइफ में, यू हैव टू टेक पेन ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपने मेरा डिसिप्लिन वाला वीडियो नहीं दिया है, आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू वॉच आउट दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सेपरेट द टू थिंग्स, पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन क्या चीज होता है? ये पेन ऑफ डिसिप्लिन वो चीज होता है जो कि आपको डेली लेना पड़ेगा जब तक आप सक्सेस ना पा जाते हो। जब तक आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, तब तक आप यू हैव टू टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन। और इधर एक मोहम्मद अली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, उनका जो कोटेशन है कि आई हेटेड एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रेनिंग बट आई टोल्ड टू माई सेल्फ दैट सफर नाउ एंड लिव रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। मोहम्मद अली साहब ने बोला था कि जितना भी पेन लेना है, आई विल टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन। क्यों? उनका फोकस एक ही था, हाउ टू बिकम ए चैंपियन, किस तरीके से मैं एक चैंपियन बनूं। और हर एक एक्शन उनका, हर एक उनका जो डेडिकेशन है लाइफ का, एक ही गोल था, हाउ आई कैन बिकम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। एंड ही इनफैक्ट बिकेम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम बिकॉज ही वॉज विलिंग टू सैक्रीफाइस एवरीथिंग एंड टूक द पेन ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने क्या किया? पेन ऑफ डिसिप्लिन लिया, अपने लाइफ को लिया कि यस, आई विल टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन। हर रोज डेली उठ के एक ही चीज करना, बार बार करना, बार बार करना। ये एक क्या होता है, एक टाइम पीरियड आता है जिसमें आदमी बोर होने लगता है। लेकिन इफ यू आर हंग्री फॉर सक्सेस, इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर ग्रेटेस्ट सेल्फ, देन यू हैव टू टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड यू शुड इंजॉय इट। आपको मजा आना चाहिए। आज मैं 10 किलोमीटर भागा, कल मैं 11 किलोमीटर भागूंगा। अगर आज मैंने 8 घंटा पढ़ाई किया, कल मैं 9 घंटा पढ़ाई करूंगा। अगर आज आपका बिजनेस को बड़ा बनाना है, आज मैं इतने क्लाइंट के पास डिस्कस किया, इतने क्लाइंट्स को अप्रोच किया, कल मैं क्या करूंगा, और क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगा। व्हेन यू विल डू कॉन्स्टेंटली दिस, देन यू आर इन ए ग्रोथ पाथ। अगर आप क्या होते हो, एक ग्रोथ पाथ में रहते हो, आप हमेशा डेली नया नया चीज सीखते हो एंड यू पुश योर बाउंड्री एवरीडे। जब आप पेन ऑफ डिसिप्लिन लेते हो लाइफ में, यू एवरीडे यू पुश योर बाउंड्रीज एंड देर विल बी अ टाइम व्हेन देर इज नो बाउंड्री लेफ्ट। यू विल क्रॉस ऑल ह्यूमन बाउंड्रीज, ह्यूमन फिजिकल बाउंड्रीज एज वेल एज मेंटल बाउंड्रीज। दैट इज द थिंग। वेयर एज व्हाट हैपेंस इन द पेन ऑफ रिग्रेट, अगर आप जो अचीव करना चाहते हो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग आपको एक रिग्रेट वाला फीलिंग रहेगा कि मैं वो कर देता तो वो हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं। जब बहुत एक रिसर्च किया गया था अमेरिका में, जब उनको पूछा गया जो 90s में थे कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो बहुत लोगों के, मैक्सिमम मोर देन 90% लोगों के अंदर ये वाला रिग्रेट फीलिंग है कि मैं वो चीज करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं वो चीज करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, ये वाला जो रिग्रेट। नेवर ट्राई टू कम इन दिस पेन ऑफ रिग्रेट। जब आप मरने जाओगे तो आपको ये वाला फीलिंग होना चाहिए कि मैं अपना लाइफ फुलेस्ट तरीके से जिया। आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता था, मैं ये चीज कर सकता था। नो, यू हैव टू टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन। व्हेन यू विल टेक द पेन ऑफ डिसिप्लिन, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस एंड देर विल नेवर एवर सिचुएशन वेयर यू हैव टू थिंक दैट आई एम फीलिंग रिग्रेटफुल अबाउट माई ओन लाइफ। आप अपना लाइफ के बारे में कभी रिग्रेट फीलिंग आएगा नहीं। एंड I hope there your mentality of taking the discipline is clear in this video. Do watch this particular video, spread with your friends,
who were willing to achieve great heights in life. Thank you very much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.